हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम DSSSB से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर हर बच्चे के लिए बड़ी परेशानी का कारण है। चाहे वो ये पूछते हैं बार बार बच्चे कि सर, टायर 1 सिर्फ पासिंग मार्क्स होगा या कट ऑफ होगा, या फिर बच्चे पूछते हैं कि टायर 2 क्या होगा, क्या टायर 2 का सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, और उसके लिए कौन कौन बच्चे जाएंगे, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, और इसके साथ साथ मिनिमम मार्क्स किसके कितने होंगे, कैटेगरी वाइज होंगे या वैसे रहेंगे। ये तमाम वो क्वेश्चन है, क्योंकि अब वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरने आप लोगों ने शुरू कर दिए हैं। अब जो सबसे बड़ा टारगेट है ना, वो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर होना चाहिए। और जो लोग आज ये पैटर्न इसके ऊपर ध्यान नहीं ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब दे आर नॉट सीरियस। सीरियस वही होते हैं जो सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन के प्रोसेस की पूरी जानकारी रखते हैं। और इस वीडियो में मैं तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए एक बार थोड़ा सा हम चलते हैं उस तरफ जहां पर ये तमाम चीजें आपके लिए वेट कर रही हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन होता है उसी के तरीके से बताऊं, क्योंकि जो चीज बोर्ड की होती है वो बोर्ड की ही शब्दों में आपको अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार का जो डाउट है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें इन लोगों ने क्या क्या कहा है। टायर 2 की जहां तक बात है, यहां से मैं शुरू कर देता हूँ सारे प्रोसेस को। यहाँ पर ये सिलेबस आपका पूरा है, और वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज। एक एक क्वेश्चन के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को लगेगा कि हाँ, अब हमारे लिए सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। पहले इसमें क्या कहा, पहले ये कहता है कि सिलेबस ऑफ 1 टायर एंड 2 टायर में इसने क्या कहा कि पहले वाले में सेक्शन 1 रखा इसने, जिसको हम कॉमन पेपर बोलते हैं। तो उसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी रहेगा पूरा, रीजनिंग वाला पोर्शन भी रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ भी रहेगा, हिंदी लैंग्वेज भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। अगर इन सबको मिलाकर देखते हैं तो इसका मतलब ये टायर 1 का जनरल पेपर है, लेकिन टायर 1 में जो सब्जेक्ट रहेगा वो भी आपका होगा। और सब्जेक्ट की अगर बात यहाँ पर होगी तो फिर जनरल पेपर के साथ जो सब्जेक्ट है वो PGT में 300 नंबर का और TGT में 100 नंबर का, जनरल नॉर्मल बात हो जाती है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि सर, जो ये जनरल पेपर वाला और जो सब्जेक्ट वाला टायर 1 का मुद्दा है, ये कहाँ तक रहेगा? ये दोस्तों सिर्फ आपको टायर 1 को पास करवाएगा, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद आप जाएंगे टायर 2 की तरफ। अब टायर 2 में जाने के लिए बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं कि सर, कितने कितने मार्क्स चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, कट ऑफ क्या रहेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं एक चीज और दिखा दूं आपको, फिर बात आती है आपकी टायर 2 की। जहां तक टायर 2 की बात है, इसने क्या कहा, इसने आपके लिए यहां सिंपल शब्दों में कहा है कि सिलेबस ऑफ टायर 1 एग्जाम विल बी सेम एज ऑफ 1 टायर एग्जाम, और सिलेबस ऑफ टायर 2 एग्जाम वो दे रहे हैं। यहां पर इसका साफ मतलब ये है कि ये एक एक चीज बोल रहे हैं। पार्ट 1 टायर 2 का जो जनरल पेपर जिसको हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और टायर 2 का जो जनरल पेपर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्टिव होगा। ये दोनों चीजें आप डिस्कस ध्यान रखें। जो टायर 1 था उसमें जनरल पेपर और सब्जेक्ट दोनों MCQ में था, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपका था, मल्टी ऑप्शनल था आपका। लेकिन जो टायर 2 है उसमें जो जनरल पेपर रहेगा आपका वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। इस चीज को आपको एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें, और इसने क्या कहा है, टायर 1 के बाद जब 2 की तरफ बढ़ेंगे तो इसने 2-3 चीजें और आपके लिए क्लियर कर दी हैं। ये कहता है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी सेम एज इन 1 टायर एग्जाम बट विद स्लाइटली हायर लेवल। इसने कहा कि जो रीजनिंग वगैरह है वो रहेगी तो सेम टायर 1 की तरह, लेकिन जो उसका डिफिकल्टी लेवल है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी है, वो बढ़ जाएगी, लेवल बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसने कही कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स इन एडिशन टू अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एज इन टायर 1 विथ स्लाइटली हाईली लेवल देयर विल बी क्वेश्चन ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। यहाँ पर DI के एनालिसिस के क्वेश्चन भी होंगे, और जो लेवल है
वो टायर वन से थोड़ा हाई होगा, यहां भी इसने कह दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जनरल अवेयरनेस जो है वो टॉपिक तो आपके सेम रहेंगे उसके अलावा, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की जीके के कुछ क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ एक एक करके। उसके बाद ये कहता है कि हिंदी इंग्लिश जो कंप्रीहेंशन है वो सेम रहेगा लेकिन हाई लेवल हो जाएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ये चीज आपको यहाँ क्लियर होगी। अच्छा उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये चीज आपको समझ लेनी है, लेकिन रहेगा वैसे ही। अगर पीजीटी में 300 का है, 200 का है, तो वो 200 ही रहेगा सब्जेक्ट, टीजीटी में 100 का सब्जेक्ट है तो 100 का ही रहेगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा और सब्जेक्टिव हो जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्टिव में आपके लिए होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप लोगों का बचता है कि सर टायर वन तो आपने बता दिया कि हमारा हो जाएगा, लेकिन हम मार्क्स जानना चाहते हैं कि कितने मार्क्स के साथ हमारा टायर जो वन है वो क्लियर होगा। ये देखो, ये मैंने बताया था ना आपको, एनेक्सर वन इन लोगों ने दे रखा है, एनेक्सर वन इन लोगों ने यहाँ पर इसके लिए बनाया था, ये टायर वन के लिए ऑटोमेटिकली है। इसके बाद टायर टू में जाओगे तो यहाँ पर इन लोगों ने पीजीटी को और आगे बढ़ा देंगे इसको। अब हम बात कर लेते हैं उन मार्क्स की जिन मार्क्स के लिए आप लोग हमेशा वेट करते रहते हैं कि सर किसको कितने मार्क्स चाहिए टायर वन पास करने के लिए। इस पॉइंट को मेरे साथ मिलकर के ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर पूरा सिलेक्शन का पूरा पूरा मटेरियल आप लोगों को, सारी चीजें यहाँ पर ये आपके लिए दे के चलते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी बोर्ड थोड़ी सी भी कमी नहीं रखता अपनी तरफ से, लेकिन हम इस लंबे चौड़े नोटिफिकेशन को जो पढ़ते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि इन टू टायर एग्जामिनेशन, टायर वन एग्जाम टू बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन टायर टू एग्जामिनेशन। अब देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो दो टायर का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये डीएसएसबी का, इसमें जो टायर वन है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, वो एक छलनी है, बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, छलनी से छान दिया, कुछों को निकाल दिया, कुछों को रख लिया, ये सिर्फ एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है। सिलेक्शन जो होगा वो आपका किसके बेस पर होगा, वो आपका होगा टायर टू के बेस पर, ये चीज आपको देख लेना है। जो फाइनल जो मेरिट लगेगा, फाइनल जो कट ऑफ होगा वो ऑन द बेस ऑफ टायर टू रहेगा, टायर वन जो है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा। दूसरी चीज इसने क्या कही, द बोर्ड एज इट्स डिस्क्रेशन में डिस्पेंस विद टायर वन एंड डायरेक्टली कंडक्ट द टायर टू एग्जामिनेशन इन केस द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एप्लीकेंट फॉर पोस्ट कोर्स हुज एग्जामिनेशन स्कीम एज टू टायर इन लेजर इन नंबर नॉट वेरी हाई। यहाँ पर नॉर्मली बोलते हैं कि अगर कैंडिडेट ज्यादा ना आए, सीटें लिमिटेड के हिसाब से कैंडिडेट लिमिटेड हो, तो इनको स्किप भी किया जा सकता है एक दूसरे के ऊपर। तीसरा जो पोर्शन है वो कहता है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो एप्लीकेबल है, 0.25 होंगे इसमें, और चार क्वेश्चन के साथ आपका एक नंबर कट जाएगा, ये मैंने आपको पहले बताया है। अब जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर वन टायर टू टायर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप एज अंडर, प्लीज रेफर नोटिस नंबर F1, ये नोटिस नंबर दिया गया जो पहले बना हुआ बोर्ड के से साइट पे भी है। अब ये कहता है कि जनरल के लिए जो है वो आपका 40%, अगर आपको टायर वन हो या टायर टू की बात हो, क्योंकि टायर वन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको टायर टू में जाना है, टायर टू इसलिए पास करना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, लेकिन दोनों टायर में ही अलग अलग, पहले टायर वन की बात कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो, अगर आप टायर वन करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में है तो कम से कम 40 हो, ओबीसी दिल्ली के हैं तो 35 हो कम से कम, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर दिल्ली के हैं तो 30% हो, ये देखिए जनरल 40%, दिल्ली के ओबीसी हैं तो 35%, अदर स्टेट के ओबीसी हैं तो जनरल में काउंट होंगे 40 ही चाहिएगा, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर दिल्ली के हैं तो 30%, और अगर अदर स्टेट के आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो जनरल में काउंट होंगे, अगर महिला हैं तो भी कोई फर्क नहीं होगा, जेंडर का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कुछ बच्चे यूट्यूब पे आपको देखा होगा, कुछ लोगों को मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ खुद तो कुछ किया होता नहीं है, और नॉर्मली
क्योंकि YouTube है भाई, सबके लिए ओपन है, किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, किताबें सामने रख के पढ़ाना हो या वैसे पढ़ाना हो, वो थोड़ा सा रट करके YouTube के ऊपर लाइव खड़े होकर बोल देते हैं कि अदर स्टेट का SC ST जनरल में काउंट नहीं होगा। अरे भाई साफ साफ लिखा है, तुम्हारे चक्कर में हजारों बच्चे मिसगाइड होते हैं, हजारों बच्चे भ्रमित होते हैं, पूरा पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं वो इधर उधर सर्च करने में। तो प्लीज ये गाइड, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है और बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जाके बताएं कि भाई क्यों बेको बना रहे हो, जब बोर्ड ने साफ साफ चीजें लिखी हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत लग रही है क्या? ये कहता है कि जनरल 40% चाहिए OBC दिल्ली के लिए, तो ये चीजें क्लियर हो चुकी है ना, इसके अलावा और क्या चाहिए? अच्छा उसके बाद नेक्स्ट, हालांकि ये दोनों का अलग अलग फॉर्मेट रहेगा आपका, उसके बाद ये क्या कहता है, और ये तीनों के लिए रहेगा सोनला, जनरल 40% जो है वो टायर वन में भी चाहिए, और अगर टू में भी 40 नहीं आए ना परसेंट मिनिमम, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरिट में काउंट नहीं होगे। ये इन लोगों ने जनरल बात यहाँ पर आपके लिए बता दी है। उसके बाद अगर आगे इसके अलावा देखते हैं, आगे तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई ऐसी चीज होगी, बट यहाँ सारी चीजें आ गई हैं। अच्छा ये कहता है कि एग्जामिन एक्स सर्विसमैन विल बी गिव 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। ये रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5% दिया गया है। इसके लिए द बोर्ड रिजर्व इट्स राइट टू प्रेस्क्राइब ए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। ये कहता है कि बोर्ड जो है, ये मिनिमम मार्क्स तो इसने बता दिया, लेकिन जो मैक्सिमम होंगे वो कट ऑफ होगी। बस इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आपके 40% आ गए तो आप टायर वन क्लियर कर गए, बिल्कुल नहीं। 40 से कम रहे तो नहीं हो पाएगा, 40 अगर आ गए तो उम्मीद है, बट 40 फाइनल नहीं है, क्योंकि ऊपर मेरिट कहाँ जाएगा वो मैटर करता है। तो ये चीजें, ये सिर्फ मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, इस चीज को आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद अगर दूसरी चीज देखेंगे, स्किल टेस्ट इंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। स्किल टेस्ट और इंड्योरेंस टेस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट की जॉब के आधार पर लिया जा सकता है। ये चीजें इन लोगों ने ऑलरेडी, बोर्ड अपनी तरफ से इन चीजों को सेफ रखता है। तो ये वो तमाम चीजें थी भाई जो आप लोगों को आमतौर पर इसके रिलेटेड चाहिए थी। चाहे किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हो, वो अपने हिसाब से तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी छूट जाती हैं जो आप लोगों को आमतौर पर पता नहीं होती हैं। अगर उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग वो ले सकते हैं। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, इसमें कुछ भी इन लोगों ने अलग आपके लिए या फिर किसी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं रखा है। और फॉर्म को अप्लाई तो आप कर ही लेंगे, उसके साथ साथ अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, और आप वहां पर 8447410108 वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम की DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, सिटी, ये चीजें लिख करके आप लोग हमें सेंड कर सकते हैं, आपके नंबर को सेव कर लिया जाएगा। साथ में DSSB जरूर लिख देना, ताकि KVS वालों, बच्चों वाली लिस्ट में आप लोग ना जाओ, आप DSSB के लिए रहो। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी रहेंगी। फिर भी किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कभी भी कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, शुभकामनाएं।